नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्रिकेट के कुछ रूल्स। वैसे तो दोस्तों मुझे पता है कि आपको बहुत सारे रूल्स पता होंगे, लेकिन बाय चांस अगर कोई छूट छाट गया हो तो ये वीडियो आपके लिए है। और हाँ दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे रूल्स होते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ मेन वाले बता देता हूँ जिनसे आप क्रिकेट देख भी सकते हैं और उनसे खेल भी सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर बात करी जाए कि एक मैच में कितनी टीमें खेलती है, एक मैच में दो टीमें खेलती हैं जिसमें से एक टीम में 11 प्लेयर होते हैं और दूसरी टीम में भी 11 प्लेयर होते हैं। मैच की जो शुरुआत होती है वो टॉस से होती है। जौन सा भी टीम का कैप्टन टॉस जीतता है वो चाहे तो बैटिंग कर सकता है और वो चाहे तो बॉलिंग कर सकता है। बात की जाए डिसीजन मेकिंग की तो दो ऑन फील्ड अंपायर होते हैं और एक थर्ड अंपायर होता है। अगर दो ऑन फील्ड अंपायर को कोई कंफ्यूजन है तो वो थर्ड अंपायर पे जा सकते हैं, जो कि टीवी स्क्रीन में देख के आपको सब कुछ सही सही बता देगा। और एक पूरे मैच में एक मैच रेफरी भी होता है। मैच की बात करी जाए तो तीन तरीके के मैच होते हैं। T20 मैच होता है जो 20 ओवर का होता है, ODI मैच होता है जो 50 ओवर्स का होता है, और टेस्ट मैच होता है जो कि 5 दिन का होता है और एक दिन में 90 ओवर्स पड़ सकते हैं। बात करी जाए एक ओवर की, एक ओवर में 6 बॉलें होती हैं। रन बनाने की बात करी जाए तो बैट्समैन तीन तरीकों से रन बना सकता है, एक तो भागकर और एक छक्का मारकर जिसमें 6 रन होते हैं, और एक चौका मार के जिसमें 4 रन होते हैं। अगर टप्पा खाकर बॉल गई तो चौका होता है, अगर डायरेक्ट बॉल गई हवा हवा में तो छक्का होता है। अगर बात करी जाए विकेट्स की तो एक टीम में एक इनिंग्स में 10 विकेट होती हैं एक टीम पर। अगर बात करी जाए आउट कैसे हो सकता है एक बैट्समैन, एक LPW से, कैच आउट से, हिट विकेट से, रन आउट से, स्टंप से, बाकी और भी तरीके हैं जैसे बैट्समैन जबरदस्ती बॉल के बीच में आ जाए, कुछ इस तरीके के भी हैं। अगर दोस्तों बात करी जाए यहाँ पे पेनल्टी या फाउल की तो यहाँ पे 3-4 तरीके से हो सकती है। एक तो नो बॉल जिसमें आपको फ्री हिट दी जाती है, जिसमें आप कहीं भी शॉट मारिए आप रन आउट के अलावा आउट नहीं हो सकते हैं, या फिर आप बीच में भाग रहे हो पिच के जबरदस्ती खराब करने के लिए उसे तो भी उसमें पेनल्टी आपको दी जाती है। बात करी जाए टाइम की तो T20 में लगभग 3 घंटे का मैच होता है, इससे थोड़ा ऊपर नीचे होता है वो खेलने के ऊपर डिपेंड है, बाकी ODI में लगभग 6-7 घंटे का मैच होता है। बात करी जाए ड्रॉ की तो आजकल सुपर ओवर आ गया है, इसमें आपको एक ओवर दिया जाता है, उसमें 6 बॉलें होती हैं, उसमें आप चाहें जितने रन भी मार सकते हैं। और दोस्तों जो टीम ज्यादा रन बना लेती है वो चाहे पहले खेलने वाली हो चाहे बाद में खेलने वाली हो वो टीम जीत जाती है। चलिए दोस्तों यहाँ पे वीडियो खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।